नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। देखिए कितनी शानदार बात लिखी है यहाँ पे, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो भी क्या, तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी गोल को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं और पहले ही यदि सोच लेते हैं कि यार हार गए या फिर नहीं जीत पाए तो क्या होगा, तो इससे आपको मंजिल बिल्कुल प्राप्त नहीं होने वाली है, तो आपको प्रयास करना ही बेकार रहेगा। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग ला लिए दिमाग में तो आपका मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो आपकी कार्य क्षमता रहेगी, आपकी जो पावर रहेगी, मतलब जो आपके मेहनत करने की पावर रहेगी, वो वैसे ही कम हो जाएगी। तो इसलिए नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखना है। तो हार वर्ड तो एक प्रकार से है ही नहीं, मतलब जो हारना होता है, हारना एक प्रकार से कोई शब्द ही नहीं है। तो जैसे आप हारना बोलते हो तो हारना नहीं है वो। नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रयास करोगे तो आपका जो नॉलेज रहेगा, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, वो पिछले समय से कहीं ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हार वर्ड नहीं है, या तो जीतोगे आप या फिर आप अगर एक बार असफल होगे तो असफल नहीं है वो। तो उससे क्या बोलेंगे हम, उसे एक्सपीरियंस बोलेंगे। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर हम प्रयास करेंगे उस चीज़ के लिए तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए हार जो वर्ड है उसको दिमाग से निकाल कर फेंकना है। तो हारने के वर्ड से आपको डरना नहीं है। जितने बार आप हारोगे तो उतने बार आपका जो नॉलेज है, आपका जो तजुर्बा है, वो आपका जो है अपग्रेड होते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मॉर्निंग कैप्सूल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। आज 17 जून है, आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डे, करंट अफेयर्स, पीआईबी न्यूज़, इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंट्री देखेंगे, पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर और नए क्वेश्चन आपके लिए होंगे। आप हमें सरकार स्टडी वेब्स फेसबुक या फिर ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, मतलब पीडीएफ से रिलेटेड या फिर बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो टेलीग्राम के जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट लॉन्च हुई है सरकार स्टडी वेब्स .com, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट डे, तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डे क्या रहेगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि जो विश्व रक्तदाता दिवस है उसे हम देखने वाले हैं आज। तो ये प्रत्येक 14 जून को मनाया जाता है, तो इस बार भी मनाया गया। तो इस बार की जो थीम थी इसकी 2018 की, बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, शेयर लाइफ, मतलब एक व्यक्ति अगर ब्लड देता है तो सिंपल सी बात है वो 3 लोगों की जान बचा पाता है। और ब्लड देना कोई गलत बात भी नहीं है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा इसे 14 जून को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1997 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100% मतलब 100% जो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से जो रक्तदान देते हैं उस नीति की इसने नींव डाली थी। तो इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था 1997 में, टोटल मिलाकर जो विश्व के प्रमुख 124 देश हैं उनको इसमें लक्षित किया गया था कि इसमें जो है रक्तदान को ये बढ़ावा देंगे। और उद्देश्य क्या था, जब यदि किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है तो बिना पैसे के रक्त यहाँ दिया जाएगा। और इसमें से मतलब 124 तो यहाँ लक्षित रखा गया था, पर अभी तक जो है 49 देशों ने ही इस पर जो है मतलब इस उद्देश्य को अमल में लाया है। जिसमें कि यदि हम बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया एक ऐसा देश है जहाँ 80% रक्तदाता है, जिसमें जो है वो रक्तदान के बदले में पैसे नहीं लेते हैं। इसके अलावा कई ऐसे देश भी हैं जिनमें भारत भी शामिल है, तो रक्तदाता यहाँ पैसे लेते हैं। और रक्तदान करने की जो एज है, यहाँ यदि हम देखें तो 8 वर्ष से 65 वर्ष तक की जो आयु के सभी जो व्यक्ति हैं जिनका वजन 45 किलोग्राम है या उससे अधिक है, वह रक्तदान कर सकते हैं। और 14 जून को ही क्यों रक्तदान दिवस मनाया जाता है, तो ये महान वैज्ञानिक थे हमारे कार्ल लैंडस्टाइनर, इनका जन्म जो हुआ था 14 जून 1868 को हुआ था। और ये जो थे मानव रक्त में, मतलब मानव जो रक्त था उसमें उपस्थित एग्लूटेनिन, इसकी मौजूदगी में इन्होंने रक्त कणों में AB और O जो रक्त ग्रुप होते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप होते हैं, उनका वर्गीकरण इन्होंने किया था। तो इस वर्गीकरण के कारण जो है महत्वपूर्ण योगदान हुआ इनका, और इसी की खोज के कारण करोड़ों लोग जो है यहाँ अपना रक्तदान मतलब कर सकते हैं और बहुत से लोगों की यहाँ जिंदगी बचाई जा सकती है। और इन्हीं को मतलब कार्ल लैंडस्टाइनर को
1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रक्तदान करने के बहुत अधिक फायदे होते हैं, जैसे कि नियमित रक्तदान की आदत व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी और मोटापा जैसी जो घातक बीमारियां होती है इनसे बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही रक्तदान से शरीर को आंतरिक रूप से स्वस्थ भी रखा जा सकता है। तो किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रखना है रक्तदान के संबंध में, इससे बहुत अधिक फायदे होते हैं। अब फायदे के साथ साथ दूसरों की जान भी बचाई जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं निकेई एशिया पुरस्कार के बारे में। तो ये जो है जापान का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि अभी अभी जो है सुलभ इंटरनेशनल के जो समाज सुधारक है, संस्थापक है बिंदेश्वरी पाठक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो है इनको मिला है स्वच्छ, मतलब खराब स्वच्छता और भेदभाव से निपटने के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संस्कृति और सामुदायिक श्रेणी के तहत इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को 1996 में लॉन्च किया गया था और ये जो है एशिया में लोगों को सम्मानित करता, मतलब एशिया के अंतर्गत इसे पुरस्कृत किया जाता है, जिन्होंने क्षेत्रीय विकास के 3 क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण योगदान, जैसे कि हम देखें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार और संस्कृति समुदाय, इन तीनों में से एक में जिसने अच्छा काम किया है उसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये बिंदेश्वरी पाठक को यहाँ सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी और इन्फोसिस के जो है नारायण मूर्ति, इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो पुरस्कार है निकेई एशिया पुरस्कार, जापान में सबसे बड़े मीडिया निगमों में से एक जो निकेई इंक है इसके द्वारा बनाया और प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पे एक बुक लॉन्च की गई है। तो बुक का नाम क्या है, प्रमुख भारतीय फसलों का जल उत्पादकता मानचित्रण। तो ये बुक लॉन्च की गई है किसके द्वारा, ये लॉन्च की गई है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, इनके द्वारा नई दिल्ली के अंतर्गत इस बुक को लॉन्च किया गया था। और यह जो बुक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, नाबार्ड, ये नाबार्ड बैंक है इसके द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। और ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है, नितिन गडकरी जी के द्वारा। यहाँ ऐसी बात करें हम तो प्रमुख भारतीय फसलों का जल उत्पादकता मानचित्रण जो पुस्तक है वह कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक गुलाटी इनकी अगुवाई वाली जो टीम थी, मतलब इसमें जो है 10 महत्वपूर्ण फसलों के अध्ययन पर आधारित है ये पुस्तक। नाबार्ड की यदि बात करें हम तो इसका फुल फॉर्म यदि हम देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो स्थापना हुई थी इसकी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर की यदि बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर और अध्यक्ष इसके कौन है, डॉक्टर हर्ष कुमार भवर है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में, बात की जा रही है रामनाथ कोविंद जी के बारे में। तो ये जो है 3 देशों की यात्रा पर है और 3 देशों की यात्रा में यदि हम देखें तो ग्रीस है, सूरीनाम है, क्यूबा है, ये 3 देश है और टोटल मिलाकर 9 दिन ये यात्रा पर रहेंगे। तो पहला जो पड़ाव हो रहा इनका कौन सा, एथेंस, मतलब जो ग्रीस है ग्रीस से रहा। और नेक्स्ट जो रहेगा दूसरा, मतलब दूसरा चरण में ये सूरीनाम जाएंगे और नेक्स्ट जो आखिरी चरण रहेगा इनका क्यूबा पहुंचेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें तो ग्रीस की जो राजधानी है एथेंस है, मुद्रा यहाँ की यूरो है और राष्ट्रपति यहाँ के प्रोकोपिस पावलो पोलोस है। सूरीनाम की बात करें तो सूरीनाम की राजधानी पैरामरिबो है और मुद्रा यहाँ की सूरीनामी डॉलर है, राष्ट्रपति डिजायर डेलानो वोटर्स है। और क्यूबा की राजधानी हवाना है, मुद्रा यहाँ की क्यूबा पीसो है और राष्ट्रपति यहाँ के मिगुएल डायस कैनेल बर्मुडेज है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्डन के बारे में, बात की जा रही है यहाँ पे जॉर्डन के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने अभी अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कौन है वो, उमर अल रज्जाज है और ये जो थे पूर्व विश्व बैंक अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने जो है जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और इनको शपथ किसने दिलाया, वहाँ के राजा जो है अब्दुल्ला, इन्होंने इनको शपथ दिलाया है। और यहाँ यदि हम देखें तो इसके पहले जो थे उमर हानी उल मुल्की, इनका स्थान ये लेंगे जिन्होंने मूल्य वृद्धि और अन्य सरकारी आर्थिक नीतियों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इनका स्थान ये लेंगे कौन, उमर अल रज्जाज। और यदि हम बात करें जॉर्डन की तो इसकी राजधानी जो है अम्मान है, राजभाषा यहाँ की अरबी है और यहाँ की जो मुद्रा है दिनार है। इसकी बात करें तो जॉर्डन आप देख सकते हैं एशिया के अंतर्गत एक देश है और ये कौन कौन सी कंट्री से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, यहाँ पहले बात करें तो सीरिया है, उसके अलावा इराक है, सऊदी अरब है। और यहाँ यदि हम देखें तो इस साइड यदि बात करें तो यहाँ पे इजराइल भी है, ये इन सब से अपनी कंट्री को, मतलब अपनी बॉर्डर को ये शेयर करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पार्टनरशिप मतलब साझेदारी हुई है, तो यहाँ पहली साझेदारी की यदि हम बात करें तो आईसीसी जो आईसीआईसीआई बैंक है और जो मार्ग ईआरपी है जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती, इन दोनों के मध्य साझेदारी हुई है। किस चीज से रिलेटेड? जो मार्ग ईआरपी लिमिटेड है ये जो अपने लेखांकन मतलब जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कंपनी टैली कंपनी टैली से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो है जो एमएसएमई है मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इनके जो ग्राहक होते हैं उनको एकीकृत मतलब जो इंटीग्रेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म है एकीकृत भुगतान मंच ये प्रदान करने के लिए, ये किससे इन्होंने साझेदारी की है? आईसीआईसीआईसी बैंक से इनने साझेदारी की है। और यदि बात करें आईसीआईसीआईसी बैंक की तो ये जो भारत है भारत के औद्योगिक ऋण और निवेश के लिए एक निगम है और चंदा कोचर इसकी एमडी और सीईओ है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई के अंतर्गत है। एक और साझेदारी हुई है ओला, ओला कैब है जो टैक्सी मतलब जो कैब एग्रीगेटर है और फोन पे है, ये पेमेंट वॉलेट है, ये दोनों के मध्य जो हुआ है अभी अभी साझेदारी हुई है। तो यहाँ यदि हम बात करें तो जो फोन पे है, फोन पे जो है फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली है और जो कैब एग्रीगेटर है ओला, इनके दोनों के मध्य साझेदारी हुई है। और क्यों हुई है? यात्रियों को पूर्व भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए बुकिंग करने की अनुमति देगा फोन पे, तो इनके मध्य जो है साझेदारी हुई। इस साझेदारी के साथ उपयोगकर्ता जो है अपने भुगतान की विश्वसनीयता और अखंडता मतलब जो इंटीग्रिटी होती है इसके आश्वासन के साथ साथ फोन पे के जो अंदर है उसमें पसंदीदा सवारी शेयरीकरण ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ओला की यदि बात करें तो ओला का जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है और बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में, और इसके जो सीईओ है भविष्य अग्रवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अधि राजू वेंकटेश्वर राव की बात की जा रही है, तो ये जो है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक थे जिनका अभी अभी हाल ही में निधन हो चुका है। ये 79 वर्ष के थे और इन्होंने जो है तेलुगु और अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी काम किया है, इन्होंने कई किताबें भी लिखी है। और 1969 में अलग जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई और राज्य सरकार ने इन्हें हाल ही में जो है तेलंगाना गठन दिवस समारोह के दौरान सम्मानित भी किया था। बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में, तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? महान सम्राट अशोक, तो ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो इनके बारे में यदि हम देखें तो अशोक अशोक भी बोला जाता है इन्हें, और ये मौर्य राजवंश के राजा थे। इनके अलावा इनकी कुछ उपाधि भी जैसे कि देवनाम प्रिय है, प्रियदर्शी है, इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है। और इनका जो राज्य था मतलब मौर्य साम्राज्य जो था हिंदू कश की जो श्रेणी है मतलब राज उत्तर में हिंदू कश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक पूर्व बंगाल पश्चिम में अफगानिस्तान ये सभी जगह तक ये पहुंच गया था। मतलब यदि देखा जाए तो उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। और साम्राज्य सम्राट अशोक जो थे अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। अशोक महान जो थे बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा इन्होंने श्रीलंका अफगानिस्तान पश्चिम एशिया मिस्र यूनान आदि में भी करवाया। और इसके अलावा इनके पिताजी की बात करें तो बिंदुसार, इनकी 16 पटरियां और 101 पुत्र थे। 101 पुत्रों में से जो कुछ ही के नाम यदि हम देखें तो सुसीम है, अशोक है और सबसे बड़ा भाई है, और तिस्स है अशोक का सहोदर भाई जो सबसे छोटा था। भाइयों के साथ गृह युद्ध हुआ और इनको राजगद्दी मिली। अशोक का जो राज्यकाल माना जाता है 273 से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे, मतलब प्रत्येक युद्ध को इन्होंने विजेत किया है। अब इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, जहाँ की इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने धर्म बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस बारे में यदि हम देखें तो कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जो जनता है उनके कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर दिया था। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचलकर रख दिया। इस लड़ाई में यदि हम देखें तो 1.5 लाख आदमी यहाँ विस्थापित हुए थे और 1 लाख व्यक्ति से भी ज्यादा कई गुना नष्ट भी हो गए थे। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल मतलब जो है बहुत आघात पहुंचाया हृदय में, और वह प्रायश्चित करने मतलब प्रायश्चित के प्रयत्न करने के दौरान बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके अभिलेख से प्राप्त होते हैं, और राज्याभिषेक से संबद्ध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य भी कहा है। और इनके जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री जो थी संगमित्रा, इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
भेजा हुआ था। अभिलेख की यदि बात करें तो अभिलेख का जो चलन हुआ था अशोक के ही काल में हुआ था। तो यहाँ यदि हम देखें तो मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनके अभिलेखों से ही मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेख की प्रेरणा ईरान के जो शासक है डेरियस इनसे प्राप्त हुई थी और अशोक के लगभग 40 अभिलेख यहाँ प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख जो है ब्राह्मी खरोष्टी और आरमाई ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम किसने खोजा था? अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, मतलब जो इनके सहकर्मी थे जेम्स प्रिंसेप, इनके द्वारा पढ़ा गया। बात करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, तो आज हम देखने वाले हैं लाइट पेन। लाइट पेन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, मतलब इसे हम एक प्रकार से पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो कि जो स्क्रीन होती है उससे टेक्स्ट या डेटा को सेलेक्ट करने, मॉडिफाई करने, मतलब एडिट करने, इसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक पेन है और पेन से हम कोई भी ग्राफिक्स को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब है, जो मॉनिटर होता है उस पर डेटा को हाईलाइट करने के लिए इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन का जो आविष्कार हुआ था 1955 से 1960 के बीच में हुआ था और कुछ कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड में लाइट पेन को जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के समय में टच स्क्रीन का आविष्कार होने से लाइट पेन का इस्तेमाल जो हो गया बहुत कम हो चुका है। इसके अलावा यदि हम देखें तो पेन जो होता है बिल्कुल उसी प्रकार से कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर सकते हैं जैसे कि पेंसिल से कागज पर करते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि अगर हम माउस और कीबोर्ड चला रहे हैं तो माउस कीबोर्ड पर हमारी उंगलियां होती है। 80 के दशक में क्या हुआ था, कंप्यूटर पर काम करने के लिए इसका प्रयोग काफी बढ़ गया था और जो होता था वो एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में यूज होता था। अब अभी जो वर्तमान हो गया है उसमें जो अलग से इसको यूज करना पड़ता है, मतलब अलग से इस डिवाइस को एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में हैंडल करना पड़ता है, तो इसका प्रयोग जो हो गया वर्तमान में काफी कम हो गया है। और यहाँ यदि हम देखें तो कंप्यूटर पर गेम्स, ग्राफिक्स, आर्ट और हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने आदि के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और वर्तमान में इसे अपग्रेड भी किया जा चुका है, मतलब अब लाइट पेन में स्कैनर भी जुड़कर आने लगा है। मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत देखते हैं आज एक कंट्री, तो आज हम देखने वाले हैं अल्जीरिया। तो यहाँ यदि हम देखें तो हमारे ये प्यारा भारत और यहाँ से हम चले तो ये आपको अल्जीरिया नजर आता है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। इसके मैप को देखते हैं तो कौन कौन सी कंट्री से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। सबसे पहले तो यहाँ हम देखें तो ये ट्यूनिसिया है, लीबिया है, नाइजर है, माली है, मेरिटेनिया है और मोरक्को है। इसके अलावा यदि हम देखें तो समुद्र का एक भाग यानी कि भूमध्य सागर से भी ये अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहा है। इसकी राजधानी की बात करें तो अल्जीरिया इसकी राजधानी है, अल्जीरियन दिनार इसकी मुद्रा है और अब्देल अजीज जो है राष्ट्रपति यहाँ के और अरबी यहाँ की राजभाषा है। राष्ट्रगान भी है यहाँ का, हम प्रण लेते हैं, और राष्ट्रवाक्य जो है लोगों द्वारा और लोगों के लिए। यदि देखें तो 3.7 करोड़ से अधिक आबादी यहाँ पे, जो विश्व का जो है 34वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिछले डे के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रधान जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने किस संग्रहालय की स्थापना के लिए 3 उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर जो है डी, मतलब भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय। इसके बारे में यदि हम देखें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय उसने 5 जून 2018 को 3 उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था ताकि क्या हो, राजधानी दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नामक जो संग्रहालय उसकी स्थापना की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं होता है? तो सबसे पहले बात करें मालाबार अभ्यास की तो ये 3 देशों के अंतर्गत ही आयोजित किया जाता है। पहले तो किया जाता था भारत और अमेरिका, मतलब शुरुआत में ये दोनों जो है मिलकर इसमें इस सैन्य अभ्यास को आयोजित करते थे, पर बाद में इसमें जापान को भी ऐड कर लिया गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा रूस होगा, क्योंकि रूस इसमें शामिल नहीं होता है। इसके बारे में देखते हैं तो अभी जो है 7 से 16 जून तक अमेरिका के गुआम है उसमें नौसैनिक अभ्यास ये शुरू हुआ था, मतलब एंड भी हो चुका है और इस बार का जो था 22वां संस्करण था। भारत, अमेरिका और जापान इस देश मतलब इस नौसैनिक अभ्यास में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाल ही में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसके बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, मतलब इसका नाम अभी बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से ये जाना जाएगा। आज के क्वेश्चन देखते हैं जिसका आपको आंसर देना है, और यदि आपसे आंसर नहीं बनते हैं, सिंपल सी बात है, आंसर
कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, एक बार पढ़ने से नहीं बनते, तो बार बार आपको रिवीजन सबसे बड़ी की जो है हमारी पढ़ाई की, एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं तो रिवीजन करना कंपलसरी है। मतलब आज आपने पढ़े है तो कल आपका इसके रिवीजन करना जरूरी है, तभी आपके दिमाग में थोड़ा रह पाएगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन के आंसर नहीं बनते तो आप नेट तो चला रहे, यदि आप लेक्चर देख रहे हैं वीडियो लेक्चर तो आप नेट चला रहे हो, और नेट चला रहे हैं तो आपको गूगल सर्च करना भी बनता ही होगा, तो आप गूगल पे सर्च करके इनके आंसर को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको फैक्चुअल डिटेल मिल जाएगी, तो इसके अलावा जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया, तो यहाँ यदि पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका मतलब किसे नामित किया गया, तो इस चारों में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो चारों में से एक आंसर आपको मिलेगा, उसके साथ में आपको बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होगी। तो इसलिए सर्च करना बहुत फायदेमंद है, और सर्च करके कमेंट करना उससे भी अधिक फायदेमंद है, क्योंकि एक बार यदि आप कमेंट कर दोगे तो आप कभी जिंदगी में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलोगे, तो इसलिए कमेंट करने की कोशिश किया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, उन्होंने 4 जून 2018 को शिमला और चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है, तो इनमें से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐप के जरिए देश के लोगों से उनके क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों का फीडबैक मांगा है, तो ये चारों में से आपको राइट आंसर यहाँ सेलेक्ट करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों करें है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि क्या हो नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारा जा सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अन्य लोगों तक भी आप शेयर कर दिया करो, ताकि क्या हो दूसरों का फायदा होते चले, हम हमारा फायदा बस देख कर नहीं चल सकते, मतलब क्या होता है एक दूसरे की सहायता करते चलना चाहिए। अगर पसंद आता है तो सिंपल सी बात, हमको फायदा हुआ है, और फायदा हुआ है तो दूसरों को भी फायदा करते चले। और पहली बार यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और इसी के साइड में एक और घंटी का आइकॉन भी आपको नजर आता है, इसको क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, मतलब किसी भी वीडियो को देखने से आप चूकेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।